गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीएचपी वर्सेज एएसपी डॉट नेट। पीएचपी में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, पीएचपी का स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स देखी। वहीं हमने डॉट नेट टेक्नोलॉजी है, उसमें भी हम वीवी डॉट नेट और एएसपी डॉट नेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पीएचपी और एएसपी डॉट नेट दोनों ही लैंग्वेजेज वेब डेवलपमेंट यानी कि वेबसाइट्स बनाने के काम में आती है। तो दोनों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज करना आसान है, सर्वर पर कौन अच्छे से चलती है, क्लाइंट के लिए कौन सी अच्छी है, डेवलपर के लिए कौन सी अच्छी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एएसपी डॉट नेट है, उसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेजेज एएसपी, और ये डेवलप की गई माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और इसके अंदर हमारे पास सपोर्ट रहता है जो हमारी डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है उनका, जो कि हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए काम में लेते हैं। तो एएसपी डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट मतलब एक कंपनी है, उसके द्वारा विकसित की गई है। वहीं पर पीएचपी है, वो एक जनरल पर्पज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है दैट कैन बी एक्सपांडेड एज हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो पीएचपी की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, विच इज आल्सो यूज्ड फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दोनों ही लैंग्वेजेज एएसपी डॉट नेट और पीएचपी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम में आती है। ASP.NET can be purchased as a paid licensed product and can be used for medium to large size enterprises applications. तो ASP.NET है वो हमें purchase करनी पड़ेगी, पैसे लगेंगे इसके, क्योंकि ये paid licensed है, Microsoft company है, उससे हमें खरीदना पड़ेगा, चाहे CD या DVD में खरीदें या इंटरनेट से डाउनलोड करें, हमें पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि पैसा लगेगा इसमें, ये पेड लाइसेंस्ड है। वहीं पर दूसरी तरफ पीएचपी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और साथ में ये ओपन सोर्स प्रोडक्ट है। इट कैन बी यूज ओनली फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज वेब एप्लीकेशंस। तो वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बड़ी जो साइज की जो कंपनीज है बड़ी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ फेसबुक है, वो पीएचपी में डेवलप की हुई है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है पीएचपी में भी। तो एएसपी डॉट नेट में जहाँ हमें पैसा देके खरीदना पड़ रहा है, पीएचपी वो फ्री में हम डाउनलोड कर सकते हैं। पीएचपी का एक एडवांटेज हो गया यहाँ पर एएसपी डॉट नेट पर। यहाँ पर कुछ अलग अलग हम फैक्टर्स लेंगे और उनके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि दोनों लैंग्वेज हैं उनमें क्या क्या समानताएँ हैं, क्या क्या अंतर है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो पैसा ही है। पीएचपी, वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ पीएचपी इज दैट इट इज एन ओपन सोर्स वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच मेक्स इट कम्प्लीटली फ्री। क्योंकि ये ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ये कम्प्लीटली फ्री है। ओपन सोर्स का मतलब इसका सोर्स कोड अपने को ओपन अपने को मिल जाता है, अपन इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दिस इज वेयर इट स्कोर्स हायर देन ASP.NET. इट्स नॉट ओनली इनएक्सपेंसिव बट आल्सो ए कम्प्लीटली सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म। देखिए कम्प्लीटली सिक्योर है और फ्री में अवेलेबल है हमें, तो ये एक एडवांटेज हो गया। वहीं पर ASP.NET बींग ए माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट
कम्स नेचुरली विद लाइसेंसिंग चार्जेज, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोग्रामर्स को सैलरी दी है इसे डेवलप करने के लिए, तो इसका हमें पैसा देना पड़ेगा। ASP डॉट नेट वर्क्स ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, सो इट्स अपकीप्स इज आल्सो रिसोर्स इंटेंसिव। ऑल दी थर्ड पार्टी टूल्स ऑफ ASP डॉट नेट हैव लाइसेंस कॉस्ट अटैच टू इट। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पर ये चलेगा, और जो थर्ड पार्टी टूल्स है ASP डॉट नेट के अंदर, उनकी भी लाइसेंस कॉस्ट है जो इनके साथ अटैच करेंगे। तो एक सोचने वाली बात है कि फिर PHP वो फ्री में क्यों है? PHP क्या है? कोई कंपनी नहीं बनाती है, ये कम्युनिटी है डेवलपर्स की, वो डेवलप करते हैं। आपको भी सोर्स कोड मिल जाएगा, आप भी इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, अनदर PHP एडवांटेज इज दैट इट्स हाईली फ्लेक्सिबल, सो इट लेट्स यू डेवलप एनीथिंग यू वांट। PHP काफ़ी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, तो इससे हम जो भी बनाना चाहिए वो आराम से डेवलप कर सकते हैं। द सोल्यूशन आर कंप्लीटली ओपन सोर्स एंड कैन बी कॉन्फिगर्ड अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्रामिंग नीड्स। तो इसके अंदर कंप्लीटली ओपन सोर्स आपको कोड पूरा दिया हुआ है, आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इसको कॉन्फिगर कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, ASP डॉट नेट इज़ वेरी कॉरपोरेट इन नेचर एंड वाई नॉट, इट्स बैक्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट। तो ASP डॉट नेट बहुत ही कॉरपोरेट है इसके नेचर में, ये फ्लेक्सीबल नहीं है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, इसका सोर्स कोड आपको नहीं मिलेगा, और क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप की गई है, पैसे तो लगेंगे ही इसके। इट हैज़ सम लिमिटेशंस एंड इट कांट बी यूज एज फ्रीली एज ए PHP फ्रेमवर्क। तो कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, PHP की तरह हम फ्रीली इसको यूज नहीं कर सकते। PHP के अंदर इट रन्स ऑन ऑलमोस्ट ऑल पॉपुलर वेब सर्वर्स एंड सपोर्ट मोस्ट लैंग्वेजेस। तो PHP है वो ऑलमोस्ट सभी पॉपुलर जो वेब सर्वर्स हैं उन पर रन करती है। इंटीग्रेशन किसी दूसरे टूल्स के साथ, दूसरे सॉफ्टवेयर्स के साथ कैसे इंटीग्रेट होती है ये, क्योंकि अकेली स्टैंड अलोन तो होता नहीं है, हमें दूसरी जो टूल्स हैं सॉफ्टवेयर्स हैं हार्डवेयर्स हैं उनके साथ में काम करना होता है। PHP वर्क्स ऑन लैम्प स्टैक मॉडल। लैम्प का मतलब लिनक्स अपाचे MySQL PHP, विच इज अ सिक्योर सॉफ्टवेयर बंडल दैट इंक्लूड्स लिनक्स अपाचे MySQL एंड PHP। द लैम्प इज अगेन एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। तो लैम्प भी क्या है अपने आप में ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ भी अपने को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वेयर नो कॉस्ट इज इन्वॉल्व एंड द वेब डेवलपर कीप अपडेटिंग एंड अपग्रेडिंग द एप्लीकेशन विच फर्दर बेनिफिट्स द कोडेड सोल्यूशन। ऑन द अदर हैंड, ASP डॉट नेट वर्क्स ऑन CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एंड डॉट नेट फ्रेमवर्क। इट ओनली रन्स ऑन प्लेटफॉर्म्स दैट द डॉट नेट फ्रेमवर्क रन्स ऑन, दिस ऑफर्स लिमिट वर्किंग स्पेस। तो ASP डॉट नेट है उन्हीं एप्लीकेशंस पर चलेगी, उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर चलेगी जो प्लेटफॉर्म डॉट नेट फ्रेमवर्क पर रन होते हैं, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज अ मिक्स ऑफ वेब फ्रेमवर्क एंड प्रोग्रामिंग द यूजेज ऑफ PHP आर मैनी। एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज PHP इज मोर यूजफुल इन क्रिएटिंग वेबसाइट्स देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। इट कैन बी यूज इन मैनी वेब एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स विथ वेरी फ्यू लिमिटेशंस। तो एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP है, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, पावरफुल है वेबसाइट क्रिएट करने के लिए देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। PHP क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ASP डॉट नेट इज जस्ट ए सिंपल एंड स्ट्रेट वेब फ्रेमवर्क। ASP डॉट नेट है वो सिंपल और स्ट्रेट वेब फ्रेमवर्क है, आप विजुअल स्टूडियो यूज करके बहुत ही आसानी से इसमें वेबसाइट्स बना सकते हैं। बेस्ट सूटेड फॉर, ठीक है, कौन सी जो लैंग्वेज है वो किसके लिए ज़्यादा अच्छे से काम करती है?
PHP इज लार्जली यूज बाय स्मॉल टू मीडियम साइज सॉल्यूशंस, तो PHP है वो ज़्यादा काम में ली जाती है छोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मीडियम साइज सॉल्यूशंस हैं उनके लिए। PHP इज आल्सो यूज्ड फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशंस एंड द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ विच इज़ द फेसबुक एप्लीकेशन। तो ऐसा नहीं है कि जो लार्ज एप्लीकेशंस लार्ज स्केल पर जिनको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं उस पर PHP सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट काम में आ रही है फेसबुक, वो PHP में बनी हुई है। तो इसका मतलब छोटी, मीडियम और बड़ी हर तरह के एप्लीकेशंस के लिए, वेबसाइट्स के लिए काम में ले सकते हैं। ASP.NET प्रोग्राम इज मोस्टली यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। ASP.NET ज़्यादातर जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ काम में ली जाती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड बाय मीडियम साइज बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस एंड वेबसाइट्स, तो मीडियम साइज़ के लिए भी काम में ली जाती है। टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क ऑफर्ड। वन ऑफ द मेजर रीजन वाई PHP यूज्ड वर्ल्ड वाइड इज बिकॉज इट ऑफर्स अनलिमिटेड फ्रेमवर्क फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेब एप्लीकेशन एंड वेब सपोर्ट। तो PHP इतनी पॉपुलर क्यों है, इतनी वर्ल्ड वाइड क्यों यूज हो रही है, क्योंकि ये ऑफर करती है अनलिमिटेड फ्रेमवर्क्स फॉर ऑल काइंड ऑफ वेब एप्लीकेशन एंड वेब सपोर्ट। वहीं पर ASP.NET ओनली सपोर्ट .NET फ्रेमवर्क एंड CLR। CLR क्या है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। सो देयर इज अ लिमिटेशन विद ASP.NET। ASP.NET के लिमिटेशंस। फिर कंपेटिबिलिटी देखते हैं हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ में। PHP स्कोर्स हायर ऑन कंपेटिबिलिटी एज कम्पेयर टू ASP.NET। PHP वर्क्स ऑन मैनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक यूनिक्स, सोलरिस, विंडोज एंड लिनक्स। तो यहाँ भी PHP है वो इससे कुछ कदम आगे है ASP.NET से, क्योंकि ये किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर, प्लेटफॉर्म्स पर रन करती है। वहीं पर ASP.NET इज़ विंडोज बेस्ड एंड वर्क्स ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक लिनक्स एंड अदर विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस। तो ASP.NET है वो विंडोज बेस्ड है और वर्क करती है लिनक्स पर या अदर विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस पर। इनबिल्ट फीचर्स। PHP हैज मैनी बिल्ट इन फीचर्स दैट कैन हेल्प वेब डेवलपर्स। तो PHP के अंदर हमें काफ़ी सारे इनबिल्ट फीचर्स मिल जाते हैं जिनसे एक वेब डेवलपर को काफ़ी आसानी रहती है। कौन कौन से फीचर्स है, जैसे कि वेरिएबल्स, रियल टाइम एक्सेस मॉनिटरिंग, एरर रिपोर्टिंग, एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन, मेजिंग मेथड, ईमेल फ्रॉम ए पर्टिकुलर वेब पेज, FTP एंड एनक्रिप्शन मैकेनिज्म। वहीं पर दूसरी तरफ हम ASP.NET में देखते हैं डजंट हैव मैनी इनबिल्ट फीचर्स, ज़्यादा इनबिल्ट फीचर्स इसमें होते नहीं हैं। इफ़ यू नीड एडेड कंपोनेंट्स इन ASP.NET देन यू मस्ट पे एडेड चार्जेस फॉर दोज कंपोनेंट्स। तो इसके अंदर इनबिल्ट कुछ ज़्यादा फीचर्स हैं नहीं, अगर आपको फीचर्स ऐड करने हैं तो उनके लिए आपको अलग से पैसा और देना पड़ेगा। लिमिटेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। सिंस PHP इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, मोस्ट कंपोनेंट्स एंड प्रोग्राम्स आर आल्सो फ्री टू यूज। देयर आर नो एडेड लाइसेंसेज इन PHP एज देयर आर इन ASP.NET। तो क्योंकि PHP ओपन सोर्स है तो मोस्ट कंपोनेंट्स और प्रोग्राम्स है वो फ्रीली अवेलेबल है और कोई एडेड लाइसेंस नहीं है PHP के अंदर जैसे कि ASP में। और ASP.NET has limitations and restrictions so that makes it less popular। तो यहाँ हमें एक मोटा मोटा ओवरव्यू एक समझ में आ गया है कि PHP और ASP.NET हमें अगर यूज करनी है तो हम कौन सी करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग हम PHP यूज करेंगे, क्योंकि सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि अगर मैं कोई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो मुझे एक रुपया भी मेरी जेब से खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कंप्यूटर है तो मैं फ्रीली PHP डाउनलोड करूँगा, इंस्टॉल करूँगा। अपाचे सर्वर है जिसमें, अगर मेरे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वैम्प में डाल दूँगा, लिनक्स है तो लैम्प डाल दूँगा, नहीं अगर जैम्प डालेंगे तो वो दोनों फीचर्स आ जाएंगे उसमें। तो इसमें सर्वर और दोनों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दोनों इसमें फ्रीली अवेलेबल हो जाती है, एक भी पैसे का खर्चा नहीं है, आप वेबसाइट फ्री में बना सकते हैं। वहीं पर अगर आपको ASP.NET काम में लेनी है तो आपको पैसे कुछ हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जिसमें आपको विजुअल स्टूडियो आपको ख़रीदना पड़ेगा,
और जो एडोन्स है इसके नए जो फीचर्स आप ऐड करना चाहते हो उनके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये तो सीधी सी बात है कि जो चीज़ फ्री होती है वो ज़्यादा पॉपुलर होती है। फेसबुक इतने लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि फेसबुक फ्री है, हमें अकाउंट बनाने के लिए एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर आप देखोगे कि कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जिन पर अकाउंट बनाने के लिए पैसे देना पड़ते हैं, तो वो इतने पॉपुलर नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो और हमारे नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल बटन पर क्लिक करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।